हेलो गाइस, तो करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। सुबह के 8 बजने वाले और मैं तो नहा धो के और दाली वाली बनाकर रेडी हो गया हूँ। और बच्चे स्कूल के लिए खुशी तैयार हुई है, कानन जा रहा है क्योंकि उसकी तबीयत खराब। और मैं आ गया हूँ छत पे, अच्छी खासी धूप है फर्स्ट क्लास। और रोबो भी यहाँ पे मेरे साथ आ गया। रोबो क्या हाल है? तो कान्हा का ना आज टेस्ट है, जो मतलब जो पेपर जो टेस्ट होते हैं क्लास वाले, लेकिन उसका मेन पे जुड़ते हैं नंबर, लेकिन आज कान्हा नहीं जा पाएगा। बिंदु मोरी क्या हाल है? और आज का मौसम कुछ इस तरह से है सुबह सुबह का, ये देखो। रोबो क्या हाल है? और गाइस ये देखो, सुबह सुबह खुशी स्कूल के लिए हो गई रेडी, और लेकिन साथ में देखो खुशी अपना काम भी नहीं छोड़ रही है, सुबह सुबह अपने शॉर्ट बनाने के लिए रेडी हो गई है। तो थोड़ा टाइट कर लो ना उसको। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। और गाइस मम्मी देखो यहाँ बैठी है। और क्या हो रहा है, सब बढ़िया? यहाँ अच्छा लग रहा है या वहाँ अच्छा लग रहा था? वहाँ अच्छा लग रहा था। वहाँ अच्छा लग रहा था मम्मी को। मम्मी कह रही मुझे वहीं अच्छा लग रहा था। बाहर स्वर्ग पहुँच गए। अच्छा, ये ऐसी ना पहले कहते थे ना स्वर्ग और पाताल, ये ऐसी होंगी ऐसी जगह, इधर के उधर इधर के उधर ना। हाँ, और यहाँ पे स्कूल की बस आ गई है खुशी की। बाय बाय बाय। और यहाँ पे देखो कान्हा गिर गया अचानक से, बाहर आया। मैं सोचा था वीडियो बनाऊंगा, कान्हा बाहर आया और एकदम से गिर गया। लगी क्या चोट? तो तूने देखा नहीं नीचे कि अम्मा का डंडा है वहाँ पे? देखो इसको चोट लग गई, अम्मा का डंडा इसके पाँव में फंसा और ये गिर गया एकदम से। मैं सोचा था यार इसका, मैं बाहर आया ही, मैं कहा इसका वीडियो बनाता हूँ कि ये बाहर आ गया है, और बाहर आते ही गिर गया। देखा कितनी लगी? छिल गया है, छिल चोट लग गई। ऐसा लगा क्या गिरा एकदम से आते ही? उछला है क्या करा इसने? इसका ध्यान खिलौने में था ना अपने, है ना? वो खिलौना खेल रहा था ना तू? हाँ। उसमें ध्यान था एकदम से, इसने देखा नहीं नीचे, धड़ाक से गिरा था। अभी पाइप भी तोड़ दिया करना, देखो। ओहो पाइप भी तोड़ दिया, ये देखो इसने पाइप भी तोड़ दिया आज। अरे वो उससे जोर लगाओगा पाइप तोड़ दिया तूने यार। मैं सो कानू बाहर आ गया, इसके कारण बताऊंगा। कानू ठीक है थोड़ा सा बाहर आ गया करके, कहाँ वो ठीक तो नहीं है, मतलब बुखार है, लेकिन उतने में वो गिर गया भड़ाक से। यहाँ पे ना मम्मी भी गिर गई, ये देखो कुर्सी तोड़ दी ये। बच के रहो, आप सब गिर पड़ रहे हैं, अब अगली बारी इनकी है। पापा हाँ? थोड़ा रोड पर घूम ले। चल चलो। और यहाँ पे कान्हा कहता घूमने चलते हैं, लेकिन अभी मुझे जाना है डेरी, तो मैंने इसको मना कर दिया। इसकी मम्मी ने भी कह दिया कि अब घर रहे। हाँ, उसके बाद देखूंगा मैं जैसा भी होगा, ठीक है? तो चल तू घर ही रह। डंपर जब आते हैं ना तो मैं रुक जाता है, डंपर को जाने देता हूँ। और पापा मैं दवाई लेके आ गए हैं, और अब हम जा रहे हैं दीदी को लेने। तो हमारे स्कूल का रास्ता खराब हो गया क्योंकि रोड बन रही है ना, इसलिए अब हम पहुँच गए हैं स्कूल। कहेंगे कौशल वैसे तो स्कूल आ नहीं रहा, लेकिन बस घूम रहा है। दीदी आ गई है और अब हम जा रहे हैं घर को। हेलो हम पहुँच गए घर। अब अच्छा लग रहा है? लग रहा है या वहीं अच्छा लग रहा था? नहीं घर ही अच्छा लगता है। आप क्या आई है सही जगह पे, अब तो घर अच्छा लगता है क्या? देख ले खुशी, आज उदास क्यों है बेटा? कोई बात तो होगी। मेरी भूमिका को थोड़ा बुखार हो रहा है। तेरी कौन है भूमिका? बेस्ट फ्रेंड। अच्छा बेस्ट फ्रेंड, अच्छा बुखार हो रहा है? बुखार हुआ 104 हुआ। तो गाइज मैं घर पहुंच चुका हूं, काफ़ी सामान लेके। ये लो भाई सामान है, चावल है और तेल का डब्बा है, ये अंदर रख देते हैं, और फिर दूध का डब्बा लेके जाते हैं डेरी। हेलो कान्हा, कैसी तबीयत है बेटा? रोबो क्या हाल है? रोबो तुम अभी से क्या आटा गूंद रहे हो क्या? कितनी जल्दी आटा गूंद रहे हो? अपना काम पूरा करना है ना। हाँ ये बात। आज पता कोई आ रहा है? कौन? पकड़ लो। हैं ताऊ जी, अरे वाह, लो बैग भी अंदर रख दो, मैं जाता हूँ फटाफट डेरी। हो क्या था पापा? हाँ? मेरे को बुखार है ना दीदी, मेरे सामने नमकीन खा ली थी। ओहो तेरे सामने नमकीन खा रही है? मैं अभी डेरी हो क्या था फिर बताऊंगा उसको। ताऊजी ताईजी आ गए। और यहाँ पे देखो ताऊ जी ताईजी यानी कि बड़े भाई साहब हमारे, वकील साहब और भाभी, और ये वैष्णवी। हेलो क्या हाल है? रोबो दबेगा, रोबो हट जा। है क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? पड़ेगी सीधा, पड़ेगी रोबो, पड़ेगी ना सीधा। ऐ है पाँव छू के नमस्ते, आज तो रोज कहता है। हैं जमीन छुई इसने? ना जमीन नहीं छुई, फिर पाँव छुआ था। हेलो दिशा,
क्या हाल है? तीसा को चोट लगी थी, देखो ये पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने, ये पांव छू के नमस्ते कर रहा दीदी को, ये खुश रहे बेटा, खुश रहे बेटा। चलो दादू अम्मा से मिलने आ गए, दिशा वैष्णवी भाई साहब भाभी। एक और चीज क्या है इसके लिए, कुछ देना इसको खाने के लिए ना? नमस्कार भाभी, और ठीक ठाक हो रहे? हेलो हेलो नमस्कार, और बढ़िया और क्या हो रहे? सब बढ़िया, बस बढ़िया। हेलो इसको नहीं देनी चॉकलेट, इसको चॉकलेट देनी, इसको बुखार आया है, पेट में भी दर्द हो रहा है। मिली नहीं दादा ताऊ जी से? वो वहाँ दीदी के साथ गजबजी गई है ना, दीदी के साथ रहेगी ना तू कंफ्यूज। ठीक है ठीक है। अब भाई साहब भाभी और दिशा वैसे भी घर आ गए हैं दादू अम्मा से मिलने, क्योंकि दादू अम्मा घर पहुंच चुके हैं कल सुबह। तो अब लेकिन मुझे 7:30 हो गया, मुझे जाना है लाइव फिलहाल, तो मैं जाता हूँ लाइव। सब गप्पे लगा रहे, देखो देखो यहाँ पे वैष्णवी कान्हा खुशी, देखो यहाँ खेलने लगे हैं लूडो, और मैं तो लाइव जाना है इसलिए मुझे लाइव सेशन अपना अटेंड करना है। और तू नहीं खेल रही क्या? ये नहीं खेल रही। और ये देखो यहाँ पे इनके मजा आने लगे, गेम खेलने लगे लोग, देखो अच्छा लगता है गेम। हम बचपन में बहुत खेलते थे, और गर्मी की छुट्टी बताओ, ये जब ये बंद हुआ था नेट तब हमने फोन में यही तो खेला। अच्छा हम लोग तो ना गर्मी की छुट्टी में ना फोन ऑन कहाँ होता था उस समय, गर्मी की छुट्टी में मतलब ये लूडो चेस कैरम बोर्ड सांप सीढ़ी बहुत खेलते थे, बहुत ज्यादा सब जने मतलब पूरा फैमिली। दीदी एक बार बता, मैं खंबे में वो मार रहा था पत्थर, पापा कह रहे मारेगा, मैंने कहा कौन, पापा कह रहे बिजली वाला। और ये और हम घर पहुंच गए, जैसे कोई कहानी खत्म हुई हो। और हम एक आइलैंड में फंस गए थे, ये कब बोला? मतलब खेल ले तो मैं तेरे को और बना दूंगा। इसकी गप्पे खत्म नहीं होंगी कान। हेलो भाभी क्या हाल है? लाइव स्ट्रीम में था ना इसलिए बात नहीं हो पाई सही से। और क्या हो रहे हैं? बढ़िया बढ़िया। क्या बन रहा है आज? आलू बड़ी बनाई है नीलम। आलू बड़ी नीलम ने, नीलम क्या हाल है? सॉरी सॉरी सॉरी, तू पीछे कहाँ खड़ी होगी मेरे? हे भगवान, तू पीछे आ गई, तेरे पैर में दर्द हो रहा है क्या? वो नील नहीं पड़ा है। नील पड़ा है? हाँ यार नील पड़ा है। कहाँ आप भी गए रात को? तो फिर मेरे से बात नहीं करी आपने? मेरे मुझसे कहा था जाने से पहले, बाहर जब जा रहे थे मम्मी लोग, मुझसे कहा कि गगन ने कह रखा कि मैं नहीं जाऊंगा शादी में। अच्छा तो तुम लोग जाना। अब ठीक ही हुआ, फिर मैंने दादी से कहा, मैंने कहा कोई नहीं जा रहा, मम्मी लोग होते तो मम्मी लोग जाते, गगन में नहीं जा रहे और क्या कहेंगे फिर, हम लोग भी नहीं जा पा रहे लड़की की शादी। और वहाँ हम लोग रात को 9 बजे हल्द्वानी से निकले, तो मैंने दादी को दिन में ही फोन कर दिया था हम जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं बताया, हम महिला संगीत में गए थे, मैं दादी को फोन किया था, हम महिला संगीत में जा रहे हैं। दादी कह रहे अच्छा कहा था, मुझे पता ही नहीं, बल फोन करा मैं, कब किया था, बोल रहे थे क्यों नहीं किया था जब हम तैयार हो रहे थे। हाँ मैंने दादी को फोन किया, मैंने कहा वहाँ वहाँ आया, मैंने वो भी भेजा तुम्हें फोटो व्हाट्सएप में, गगन को फोन, मैंने तुम्हें फोन मिलाया था लेकिन वो फोन लगा ही नहीं उसके बाद। अरे अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हो आया घुमाए ठीक ही है, क्या करना, घूम तो जो भी आया, रात को 12 बजे अच्छा पहले मैं सोच रही थी घर होते हुए जाते हैं, घर जाते हैं इनका बच्चा, यहाँ से वापस हो जाते हैं, मैंने कहा मिलते हुए हम तक जाते हैं वहाँ। हाँ फिर वो 9 बज गया था ना हल्द्वानी हमको। अच्छा तभी तो मैं तो बताया दादी को फोन करके हम जा रहे हैं वहाँ करके आज। अब से दादी को कोई बात नहीं बताना, कि मुझे बताना। आपको मैंने व्हाट्सएप करा था, कार्ड भी कार्ड व्हाट्सएप करा था, उसी दिन गए हम, इसीलिए भेज रखा कार्ड कि तुम लोग वहाँ जाना करके, उसी दिन गए फिर हम, तभी तो गए हम उसी दिन। पापा जी ने जाते समय मेरे से कहा कि तुम लोग जरूर चले आना, हम लोग सही रहता है, रिश्तेदार हैं, जाना ठीक रहता है, वहाँ ताऊजी लोग भी मिलेंगे, तब मैं गया, मैंने कहा चलो जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो भाभी और भाई साहब भी गए थे वहाँ शादी में जहाँ हम गए थे, और ये लोग जाने वाले नहीं थे, हम लोग नहीं गए थे, कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूजन हो गया, तब जाके ये लोग गए। ये देखो क्या ले आई तू, ऐसे करेंगे, मुझे सफाई करते समय मिल गई। कब मिली? आधा पीस सिब्बू तो ले गए। अच्छा इसका तोड़ के, तोड़ के ले गया, गजब है यार सिब्बू भी है। और देखो ऐसे करेंगे तो दूर दिख रहा है, ऐसे करेंगे तो पास। अच्छा और अगर हम इसको उल्टा करके ऐसे देखेंगे तो फिर दूर दिखेगा, तो भी दूर दिख रहा है। हाँ वही तो देखा, मुझे पता था, खुशी को दूरबीन मिल गई, खुशी यहाँ दूरबीन से एंजॉय कर रही है, और भाभी ने यहाँ पे बड़ा फर्स्ट क्लास सलाद बना रखा आज। तो यहाँ पे जाने का हो गया है टाइम, और भाई साहब भाभी बच्चे जा रहे हैं, और वैष्णवी तो यहाँ पहली बैठ गई, ये देखो इसको नींद आ गई है। हेलो चलो जाओ यार, इसको नींद आ गई, चलो फिर ठीक है फिर है ठीक ओके। अच्छा हुआ जिमी नहीं आया, नहीं तो वो यहाँ भौंक रहा होता अभी। वैसु क्या हाल है, रो रही है कि सो रही है? सो रही है ऐसा लग रहा है, रो रही है। एक ही आ गई कार्टून, बाय बाय कर दीजिए। बाय करो।
आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? नो चलो गाड़ी आ गई वहां से। चलो ठीक है फिर, नमस्कार, बाय, गुड नाइट, चलो बाय बाय, चलो 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 बाय, गाड़ी आ गई वहां से, चलो बाय। बड़ा सही है ये, हंसा निकले। तो गाइस, भाई साहब और भाभी और बच्चे चले गए, तो अभी तक मैं पापा जी मम्मी के साथ बैठ के ना गप्पे मार रहा था, तो यहाँ आया देखा तो खुशी और काना सो चुके हैं और नीलम भी यहाँ पे अपने मोबाइल पे लगी हुई है। तो करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। आई होप दोस्तों ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो पे नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।